तो आप सबको पता ही होगा भाई कि IPL 2025 बहुत ही ज़्यादा क्रेजी होने वाला है भाई। IPL 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है और मेगा ऑक्शन का डेट भी भाई बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। ऐसे में भाई तीन ऐसे प्लेयर्स जो आपको मिस करते हुए नजर आएंगे IPL 2025। तो जान लेते हैं भाई कि वे कौन कौन से प्लेयर्स हैं। और हाँ, अगर आप सबने भाई सभी टीम्स का रिटेंशन वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा भाई, जाके देख लेना, सारे टीम्स के बारे में मैंने बात किया है। तो चलिए भाई वीडियो देखते हैं। तीसरा के बारे में बात करूं तो भाई केदार जादव 2014 में वे अपना इंटरनेशनल डेब्यू किए थे, लेकिन 2024 में भाई वे संन्यास ले चुके हैं जून में। IPL 2022 के बाद से केदार जादव नहीं खेले हैं IPL में और वे फाइनली अपना ऑल फॉर्मेट से संन्यास रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिए हैं। तो अब ये प्लेयर्स भाई आपको IPL खेलते हुए कभी भी नजर नहीं आने वाले हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट भी। तो केदार जादव होगा भाई। सेकंड पे बात करें तो भाई सेकंड पे आ जाता है DK, दिनेश कार्तिक भी आपको अब संन्यास ले चुके हैं भाई, ये आपको IPL खेलते हुए नजर नहीं आएंगे और ये भी ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, तो इंटरनेशनल और IPL ये आपको कभी खेलते हुए अब नजर नहीं आएंगे। हाँ, भले ही ये IPL में आपको कमेंट्री करते हुए नजर आ सकते हैं, तो DK फैंस आप कमेंट्री थोड़ा सुन लेना DK भाई का। इनका करियर भाई बहुत ही बड़ा रहा है, 2004 में ही इनका डेब्यू हो गया था इंटरनेशनल क्रिकेट में और संन्यास लिए भाई 2024 में, मतलब बहुत ही बड़ा करियर है भाई और एक अच्छा बैट्समैन भी रहे हैं। और DK फैंस मिस जरूर करेगा भाई DK को, और RCB फैंस भी थोड़ा जरूर मिस करेगा क्योंकि लास्ट में थोड़ा RCB की तरफ से ही खेल रहे थे और वहीं से रिटायरमेंट हुए हैं, तो लास्ट में जो जहां रह जाता है भाई थोड़ा लगाव हो जाता है वहां से, तो अब DK फैंस भाई DK को मिस करेंगे। तो आप बात करते हैं नंबर वन के बारे में भाई, तो नंबर वन पे आ जाते हैं शिखर धवन। आप सबको पता ही होगा भाई शिखर धवन कितने अच्छे बैट्समैन थे। इनका डेब्यू भाई हो गया था 2010 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद भाई क्या ही बैटिंग करते थे पहले भाई, पर इधर पता नहीं इतना इंजर्ड रह गया, फिर इधर शुभमन गिल ये सब के आने के बाद उतना मौका नहीं मिला बैटिंग करने का। फिर भी भाई शिखर धवन से भाई हमको एक लाइफ लेसन भी लेना चाहिए भाई कि कैसे भी परिस्थिति हो लेकिन अब मुस्कुराते रहना चाहिए हमेशा। मैंने तो उनको कभी भी कैमरा पर या फिर कोई भी फोटो में उनको कभी भी निराश या सैड नहीं देखा भाई। अगर आप सब ने देखा होगा तो कमेंट करना, पर मैंने कभी नहीं देखा भाई। तो हमें भी सिर्फ उनसे क्रिकेट ही नहीं ये लाइफ लेसन भी लेना चाहिए कि उनके जैसा बनना चाहिए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी खराब फेस क्यों ना आ जाए लाइफ का, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। तो हाँ, शिखर धवन फैंस बहुत ही ज़्यादा मिस करेगी भाई उन्हें IPL में, IPL का ऑल फॉर्मेट में मिस करेगा भाई, इंटरनेशनल फॉर्मेट में भी। यही तीन ऐसे प्लेयर्स थे जो आपको IPL 2025 खेलते हुए नजर नहीं आएंगे अब, और कभी भी अब IPL खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। बाकी आप सब अगर चैनल पर नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए और IPL से रिलेटेड भी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, बाय।